हेलो फ्रेंड्स, केम छो, मजामा। और आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं 4000 से 6000 तक की रेंज के फोन के अंदर, तो काफी सारे ऑप्शन आज की तारीख में अवेलेबल हैं और क्या कमाल धमाल फोन इसके अंदर आ चुके हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान किया है कि लगभग हर एक फोन के अंदर सेम सी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब मीडियाटेक का प्रोसेसर 6739 का, 2GB की रैम, 16GB की इसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाती है, 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। फ्रंट की अगर बात करें तो 5 या 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, 3 या 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर भी काफी सारी चीजें देखने लायक होती है, मतलब ब्रांड कौन सा है और किस क्वालिटी का उसके अंदर बिल्ड वर्क है, कैसा आपको प्रीमियम डिजाइन मिल रहा है या कैसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है, ओवरऑल आपको सर्विस बाद में कैसी मिलने वाली है। तो आज काफी रिसर्च के बाद मैं आपके सामने लेके आया हूं वो सारे फोन जो कि 6000 की रेंज में बेस्ट आपको सूट करेंगे। और इस वीडियो के अंदर तो एक से एक कमाल फोन है, तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और एंड में आपके लिए लेके आया हूं मैं एक सरप्राइज जो कि जरूर आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोन के साथ। दोस्तों सबसे पहले फोन की अगर बात करूं तो वो है Redmi का 6A, 5999 रुपए का फोन है और इसके अंदर A22 का MediaTek का प्रोसेसर है। दोस्तों A22 जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ प्रोसेसर है और AI को सपोर्ट करता है। इस फोन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है 5.45 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, यानी कि 720p पे चलता है। 2GB के अंदर आपको रैम मिलेगी और 16GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको रियर कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। जो बैटरी आपको मिलने वाली है वो लगभग 3000 mAh की मिलेगी, जो पूरा दिन आपका बड़े आराम से निकाल देगी। साथ ही MIUI का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांड की तो ब्रांड काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, और इसकी बिल्ड क्वालिटी लगभग वही ट्रेडिशनल है जैसी MI की आज से पहले होती आई है। तो कुछ खास बिल्ड क्वालिटी में आप चेंजेस तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो फ़ोन आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दमदार है, ब्रांड भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर आपका बजट जो है वो 6000 का है तो आप इस चीज़ के लिए जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। दोस्तों इस कमाल फ़ोन के साथ मैं एक कमाल चीज़ और आपको बताने वाला हूँ। हमारे चैनल के ऊपर जो है लगभग 98% जो व्यूअर्स है वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यानी कि सब्सक्राइबर बहुत कम है, देखने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जाए जिससे मैं स्क्रीन के बाहर आके आपको बता सकूं कि सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज आपसे बाहर निकल के ही बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों ये तो थी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैसे आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब इतनी अच्छी वीडियो मैंने अगर बनाई है तो उसके ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों अगले अगर फोन की बात करूं तो ये काफी अच्छा फोन है, Asus ने अपना फोन निकाला है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है आपका 450 का, और 6000 की रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेके आना Asus की तरफ से काफी काबिल तारीफ है। बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यह है Zenfone Lite L1 मॉडल और इसके अंदर आपको 5.45 इंचेस की HD+ स्क्रीन मिलती है। साथ में Qualcomm Snapdragon का 430 का प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है। 2GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 16GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, 13 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको रियर कैमरा मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 3000 mAh की अंदर आपको बैटरी मिलेगी और फेस अनलॉक का इसके अंदर आपको फीचर मिलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, फेस अनलॉक का फीचर मिल रहा है, कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर 6000 का बजट रखते हैं और Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर चाहते हैं तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं, PUBG गेम भी इसके अंदर आप खेल पाएंगे। दोस्तों तीसरे फोन की अगर मैं बात करूं तो वो है एक इंडियन कंपनी Micromax का। जी हाँ, ये US फोन है। ये फोन के अंदर भी मेरे को काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन लगी। बात करते हैं प्रोसेसर की तो जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया वही MediaTek का 6739 का इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको 2GB की रैम मिलेगी, 16GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, 13 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर रियर कैमरा मिलने वाला है, फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, तो थोड़ा अच्छा कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। 4000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी। दोस्तों ये है वो फोन जिसके अंदर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो देखिए काफी कम फोन ऐसे हैं जो 6000 की कम की रेंज में है और उनके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों मिल रहा है। साथ में इंडियन ब्रांड है Micromax, तो आप इस फोन को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपका 6000 का बजट है। सर्विस सेंटर भी काफी है इसके और काफी सारे फीचर्स ये दे रहा है, और काफी टाइम बाद Micromax ने एक फोन निकाला है तो इससे उम्मीदें कंपनी को भी काफी है।
तो आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर अगले फोन की बात करूं तो वो है लेनोवो का A5, नया फोन है अभी मार्केट के अंदर। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का 6739 का प्रोसेसर मिलता है, साथ में 2GB की रैम मिलती है, 16GB की स्टोरेज मिलती है, वही 5.45 इंचेस की HD स्क्रीन मिलती है। लेनोवो का भी काफी अच्छा ब्रांड है, काफी कोशिश कर रहा है मार्केट में इस टाइम। लैपटॉप के अंदर तो वैसे ही काफी अच्छा ब्रांड है, लेकिन अब मोबाइल के अंदर भी वो काफी अपनी मतलब जिसे कहते हैं ना जड़ जमाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे उम्मीदें की जा सकती है। बिल्ड क्वालिटी लेनोवो की हमेशा से काफी अच्छी रही, चाहे वो फोन की आप बात करें चाहे आप उसके लैपटॉप की बात करें। तो इस फोन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पूरी बता देता हूं। प्रोसेसर और स्टोरेज वगैरह तो मैंने आपको बता दी है, बाकी आप स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं, करीब 128GB तक आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको रियर कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। 4000mAh की मैसिव बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, साथ में मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों ये कंप्लीट ओवरऑल पैकेज मैं कह सकता हूँ, अगर आप 6000 की रेंज की फ़ोन की बात करते हैं, ब्रांड बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करता हूँ बैटरी बैकअप की, तो 4000mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, फिंगरप्रिंट आपको इसके अंदर स्कैनर मिल रहा है, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा पैकेज मैं बोल सकता हूं। तो 6000 की अगर आपका मतलब रेंज आती है तो आप डेफिनेटली इस लेनोवो के फोन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों इससे अगले अगर मैं फोन की बात करता हूं और इस सेगमेंट के लगभग आखिरी फोन की अगर बात करूं, अगर आपका बजट 6000-5500 नहीं है, तो एक फोन है जो 5000 से भी नीचे मतलब 1 रुपया कम 4999 रुपये का फोन है, और वो है इनफिनिक्स का फोन। इनफिनिक्स स्मार्ट 2 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का 6739 का क्वाड कोर प्रोसेसर, 1.5GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है, 2GB की इसमें आपको रैम मिलेगी और 16GB की इसमें आपको स्टोरेज मिलेगी जो 128GB तक आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपको 720p की HD स्क्रीन मिलती है 5.45 इंचेस की, 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा जिसमें आपको ब्यूटी मोड मिल जाएंगे, F2.0 का अपार्चर है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आने वाली है, 8 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर फ्रंट कैमरा मिलेगा, ये भी F2.0 के अपार्चर पे आपको मिलता है, 3050mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 8.1 मिलता है। तो दोस्तों अगर बजट 5000 का ही है मतलब 5000 से ऊपर नहीं जाना चाहते आप, तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उस फोन की जो मेरे लिए एक बोनस फोन है। दोस्तों अगर कई बार ऐसा होता है ना यार 200-500 रुपये ऊपर खर्च कर दूं तो कौन सा फोन मिल सकता है, तो एक धमाकेदार फोन है अगर आपका बजट जो है वो 1000 रुपये जंप कर सकता है, तो एक फोन है Realme C1। ये फोन आपको 6000 रुपये में 1000 रुपये ऐड करके मिलता है, मतलब 6999 रुपये ऐड करके मिलता है। इसके अंदर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon का 450 का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको 506 का Adreno का GPU मिलने वाला है, मस्त गेमिंग आप खेल सकते हैं, PUBG भी खेल सकते हैं। 6.2 इंचेस की HD स्क्रीन मिलेगी, मतलब बेजललेस डिस्प्ले है 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, 88.8% बॉडी टू अगर स्क्रीन का रेशियो में बात करता हूँ। 4000 से भी ऊपर 4230mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी और बुके इफेक्ट वाला डबल कैमरा मतलब ड्यूल कैमरा आपको पीछे मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको AI से इंटीग्रेटेड आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। नॉच स्क्रीन मिलेगी इस रेंज के अंदर, नॉच स्क्रीन का होना वाह भाई वाह बल्ले बल्ले, मतलब कि आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर मिलने वाला है, ट्रिपल स्लॉट मतलब कि ड्यूल एक्टिव 4G और साथ में अलग से डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड जिसको आप 256GB तक का मेमोरी कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हैं, 2GB की रैम मिलेगी और 16GB की स्टोरेज, तो 16GB की तो कोई मतलब की टेंशन ही नहीं है, जब 256GB तक बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रीमियम ग्लॉसी डिजाइन इसका है, कलर OS जो है इनका 5.1 इसके अंदर मिलने वाला है, फेस अनलॉक का आपको इसके अंदर फीचर मिलेगा और साथ में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो मिलने वाला है। दोस्तों ये तो है वो फोन जो लगभग अगर आप 6999 रुपये खर्च कर देंगे तो इससे कमाल धमाल फोन तो नहीं मिलने वाला, मतलब आज की तारीख में तो नहीं मिलने वाला है। मैंने अपना पूरा रिसर्च किया दोस्तों, साथ में आपको बोनस एक फोन मैंने अलग से बताया, माफी चाहूंगा कि इस रेंज में मैंने थोड़ा सा बढ़ा के बताया, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जहां पर कोई आदमी 6000 रुपये खर्च कर सकता है तो 500-700 रुपये ऊपर खर्च करने की कई बार सोच ही लेते हैं अगर कुछ बेटर ऑप्शन मिल रहा हो। तो मैंने सोचा कि जो भी इंसान वीडियो देख रहा है कहीं ना कहीं उसके लिए एक ऑप्शन मुझे अलग से बोनस ऑप्शन रखना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से की है पूरी मेहनत। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, फिलहाल के लिए गुड बाय।